किसान आंदोलन की आज राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के शाहजहांपुर इलाके में नजर आई। दोनों राज्यों को जोड़ने वाला ये बॉर्डर आज किसानों के आंदोलन के चलते पूरी तरह से प्रभावित रहा। इस हाईवे को किसानों ने आज पूरी तरह से जाम रखा। अब वहां पर किस तरह की स्थिति है और किसान आंदोलन के दौरान आज वहां पर क्या कुछ हुआ, इसको लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं शाहजहांपुर बॉर्डर। यहां से हमारे साथ जय किसान आंदोलन राजस्थान के अध्यक्ष रमन रंधावा हैं। रमन जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। आप अभी शाहजहांपुर बॉर्डर पर हैं, राजस्थान और हरियाणा को जोड़ता है। दिल्ली कूच के लिए आप लोग निकले थे, लेकिन आज जिस तरह से जयपुर का दिल्ली से संपर्क कटा है, क्या कुछ कहेंगे, कैसी स्थिति है अभी? जी, सरकार जो कर रही है वो अपने प्रस्ताव को उनके शब्द बदल के उनका पैरा ऊपर नीचे करके वापस किसान की तरफ भेज रही है, और वो सिर्फ एक अपने प्रोपोगेंडा के तहत कि वो लोगों को दिखा सके कि वो बात करने की इच्छुक है और किसान बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसी चीज में लगी हुई है। इसका किसी को ना देश को फायदा होगा, ना सरकार को, ना किसान को तो कोई फायदा है ही नहीं। किसान कह रहा है जब तक ये तीन बिल जो किसान से उसकी जमीन तक छीन लेंगे आने वाले भविष्य में, उनको रिपील नहीं किया जाता, एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव प्रस्ताव नहीं दिया जाता जो इनको रिपील करता है, यहाँ से नहीं जाएगा। शाहजहांपुर में किसानों की जो तादाद है वो हर तीसरे दिन दुगनी होती जा रही है। किसान यहाँ राजस्थान हरियाणा से आ रहे हैं, आज कुछ और किसान जो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, और किसान सिर्फ एक ही मांग को लेके आया है कि उसको MSP का कानूनी अधिकार दे, और सरकार ने जो अपनी मर्जी से किसी के इशारे पे जो तीन कानून बनाए हैं उनको वापस ले। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उदाहरण है, चाहे वो पेप्सी का है चाहे कोई और है, वो देश के सामने है कि किस तरह पेप्सी ने उन किसानों पर मुकदमे तक कर दिए और करोड़ों रुपए का जुर्माना तक लगा दिया जो किसान अपनी जमीन बेच के अदा करेगा। और आज भी ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि कोई व्यापारी आता है गांव में, एक दुकान खोलता है और पूरे के पूरे गांव की फसल लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है और वो ट्रेस तक नहीं होता। तो ये भविष्य की आशंकाएं हैं, और इन बिल के आने से ये आशंकाएं और बड़ी हैं। तो ये कहना कि किसान भ्रमित है, हाँ किसान जब वोट देने जाता है तो वो दो तीन दिन के लिए भ्रमित हो जाता है, लेकिन अपनी जमीन के लिए, अपने उस कल्चर के लिए जिसको उसने हजारों सालों से प्रिजर्व किया है, उसके लिए वो भ्रमित नहीं होता। चाहे आप एक छोटे से बच्चे से यहाँ बात कर लें, वो आपको इन कृषि कानूनों के बारे में एक एक्सपर्ट, जो सरकारी एक्सपर्ट है, उनसे बेहतर समझा देगा कि ये किस तरह से उसके आने वाले वक्त में खतरे की घंटी बन जाएंगे। जी देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है, तो ऐसे में क्या माना जाए, किसान कंफ्यूजन में है या विपक्ष के बहकावे में है, क्योंकि केंद्र का आरोप है कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। देखिए, जो विपक्ष कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में यही कानूनों की बात कर रही थी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्हीं किसानों ने उस कांग्रेस को रिजेक्ट किया और डबल फिगर में है कांग्रेस, और इस देश के विपक्ष कि मुझे नहीं लगता है इतनी हैसियत है कि वो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर ले। ये लोगों का आंदोलन है, आम किसानों का आंदोलन है, और पूरे देश का ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। और बिल्कुल साफ मांग है कि आपको अपनी जिद छोड़नी होगी, आपको इसे अपने नाक का सवाल नहीं बनाना। किसानों के नेता जो हैं वो किसान ही हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई हल निकले, और इतनी ठंड में जो किसान बैठा है और कितने किसान शहीद हो गए हैं, किसान अपने घर पे जाए, अपना खेत देखे, अपनी फसल को देखे, वो चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल हो जाए। और किसान जहां भी सरकार उनको बुलाती है वो गए हैं बातचीत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसान लीडरशिप बात नहीं कर रही है, बिल्कुल बेफजूल की बातें हैं, जिसका मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसका किसी को फायदा नहीं होगा। सरकार एक कंस्ट्रक्टिव जो प्लान है वो नेताओं को दे और उस पर बातचीत करे और इसका जल्दी हल निकाले। हम सब यही चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी हल निकले। अगर सरकार हल नहीं निकालती तो किसान की ये मजबूरी है, क्योंकि किसान अपनी एक अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। किसान को पता है यहाँ से जीत और हार का मतलब उसके लिए क्या है, तो किसान बिल्कुल शांति से इस संघर्ष को जितना लंबा वो लड़ सका वो लड़ेगा, वो अंत तक लड़ेगा, क्योंकि सरकार की ये जिद है और सरकार इसे अपने वकार का एक हिस्सा बना के बैठ गई है। और सरकार को समझना होगा, और सरकार क्योंकि लोगों की है
इस देश के हर नागरिक का हिस्सा है सरकार में, तो सरकार को उनके प्रति अपनी जवाबदेही दिखाते हुए उनकी बात माननी होगी। देखिए बिल्कुल, सरकार तय कर चुकी है कि किसानों की MSP कहीं नहीं जाएगी, ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसी किसान की जमीन पर कब्जा किया जाएगा, और किसान की जो दूसरी मांगे हैं उनको भी बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है। ऐसे में आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है? 31 दिन हो चुके हैं, जो तमाम किसान संगठन हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ सकारात्मक परिणाम निकल कर आने की उम्मीद है? किसान नेताओं पर ये दायित्व है, वो किसान भी हैं, किसान नेता भी हैं, कि इस बात को सिरे तक लेके जाना है और सरकार को समझाना भी है कि आप जिद छोड़िए। और ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से कुछ तय है, अगर सरकार आज ये कानून वापस ले लो तो हम कल यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पहले से प्री प्लान है या पहले से कुछ तय है। चलिए, आपने ये बताया कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर, उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि अगर सरकार तीनों बिल वापस ले तो किसान अपने आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार भी है, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि तीनों बिल किसानों के हितों के लिए बनाए गए हैं और जो कमियां किसानों को इन बिल में लग रही थी उन पर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार भी है। देखना यही है कि आज शाम बैठक के बाद क्या बातचीत की टेबल तैयार होगी या फिर आंदोलन यही चलता रहेगा। संदीप पठावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत, आपने शाहजहांपुर से हमसे साझा किया आंदोलन के क्या कुछ रंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।